हेलो एवरीवन दिस इज लास्ट वीडियो ऑन सेलुलर अडाप्टेशं और आज का हमारा टॉपिक है हाइपर ट्रॉफी हाइपर ट्रॉफी में सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से टिश्यू या फिर ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाता है इसका रीज़न क्या होता है सेल्स पर वर्कलोड पड़ता है मतलब फंक्शनल डिमांड इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सेल्स का साइज़ इंक्रीज हो जाता है अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपर और पैथोलॉजिकल हाइपर के का एग्जाम्पल तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बल्जिंग मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स देखें जब हम जिम ज्वाइन करते हैं भले ही थोड़े दिनों के लिए कर पाते हैं तो जिम में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं मतलब हमारी स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं उन पर वर्कलोड पड़ता है वर्कलोड पड़ने की वजह से सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सेल्स का साइज ही क्यों इंक्रीज होता है सेल्स के नंबर क्यों नहीं इंक्रीज होते देखिए जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं ना वो परमानेंट सेल्स होते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि परमानेंट सेल्स में हाइपर नहीं हो सकता मतलब परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं करते इस वजह से जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो अडेप्ट करने के लिए इंक्रीज वर्कलोड को अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। हाइपरट्रॉफी में सेल्स का साइज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से रिस्पेक्टिव ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाता है फिगर बी माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक नॉर्मल यूट्रस का और फिगर सी माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक ग्रेविड यूट्रस का सेम मैग्निफिकेशन पे ग्रेविड यूट्रस मतलब प्रेग्नेंट यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस में फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों देखने को मिलता है यहाँ पर आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं नॉर्मल यूट्रस में स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल सेल्स का साइज़ बहुत ही छोटा है प्रेगनेंसी के टाइम पर सेम सेल्स का साइज़ इंक्रीज हो जाता है मतलब उनमें हाइपर हो जाती है और हमें सेल्स इज़ीली विजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल हाइपर इसमें फर्स्ट है हाइपर ट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल जिसका एग्जाम्पल है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी ड्यू टू हाइपर टेंशन और डैमेज्ड वेल्ब्स हाइपर टेंशन या फिर डैमेज वेल्व की वजह वे से लेफ्ट वेंट्रिकल को फोर्सफुली ब्लड को पंप करना पड़ता है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल पे फंक्शनल डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो सेल्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है उनमें हाइपर हो जाती है सेकेंड इज हाइपर ऑफ स्मूथ मसल जिसमें एग्जाम्पल है हाइपर ट्रॉफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मसल इन रिस्पॉन्स टू यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन फिगर ए इज शोइंग नॉर्मल ब्लैडर एंड नॉर्मल प्रोस्टेट एंड फिगर बी इज़ शोइंग हाइपर ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर एंड हाइपर प्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट की वजह से यूरेथ्रल ऑबस्ट्रक्शन हो जाता है और यूरेथ्रल ऑबस्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर के सेल्स होते हैं उन पर वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है और उनमें हाइपर ट्रॉफी हो जाती है अगर हम हाइपर के मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेलुलर प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाता है जिसकी वजह से सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है लास्ट इज मॉर्फोलॉजी ग्रॉसली ऑर्गन एंड दिखेगा और माइक्रोस्कोपिकली साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा जिसका एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इस टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा थैंक यू